मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारे जो लेसन के पीछे पोयम दे रखी है द वंडरफुल वर्ड्स, आज हम उसे रीड करेंगे जो मैरी ओ नील के द्वारा लिखी गई थी। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। क्या आप इमेजिन कर सकते हो वर्ल्ड को विदाउट लैंग्वेज के, मतलब कोई भी लैंग्वेज नहीं और वर्ल्ड हो, अपन वर्ल्ड में रह सकते हैं बिना किसी लैंग्वेज के। ऑल ह्यूमंस स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। हर एक ह्यूमन, हर एक इंसान एटलीस्ट वन लैंग्वेज तो बोलता ही है। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थाट्स। और जो हम वर्ड्स बोलते हैं उससे क्या होता है, हमारे थाट्स बाहर निकलते हैं। जैसे जो हम सोचते हैं वो हम अपने वर्ड्स के द्वारा बोलते हैं। रीड द फॉलोइंग पोएम वन, फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स। अब हम ये जो नीचे दी गई पोएम वो पढ़ेंगे, वर्ड्स के ऊपर दी गई है। जब इसका पोएम का नाम क्या है, द वंडरफुल वर्ड्स, वर्ड्स इज द वंडरफुल वर्ड्स। आगे हम पोएम पढ़ते हैं। नेवर लेट अ थाट श्रिवल एंड डाई फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू से इट। कभी भी हमें हमारे थाट्स को श्रिवल मत गायब और डाई नहीं, मतलब उसको लुप्त नहीं हो जाने देना चाहिए, ना ही मरने देना चाहिए। फॉर वॉन्ट ऑफ वे टू से इट, जिससे हम इसे बोल पाए, बोल सकते हैं हम वर्ड्स को, तो हम जिन वर्ड्स को बोल नहीं पाते उन वर्ड्स को हमें, ना तो जो हमारे थाट्स हैं उन्हें हमें गायब या मरने नहीं देना चाहिए। For English is a wonderful game and all of you can play it. अब जैसे कोई भी लैंग्वेज, यहाँ क्या बताया गया है कि हम एक लैंग्वेज को अगर बोल सकते हैं, अगर सिर्फ एक लैंग्वेज होती हमारे बोलने के लिए, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश दिया हुआ है। वैसे तो हम सब हिंदी बोलते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, पर यहाँ पर सिर्फ फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये मत समझना आप लोग कि इंग्लिश ही एक वंडरफुल गेम है, मतलब वंडरफुल लैंग्वेज है। सिर्फ ये पोएम में बताया गया है कि इंग्लिश एक वंडरफुल गेम है जिसे हम सब लोग प्ले कर सकते हैं। प्ले मीन्स बोल कर एक्सप्रेस कर सकते हैं हम वर्ड्स, लैंग्वेज ये इंग्लिश बोल सकते हैं। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। और हम सब क्या कर सकते हैं कि मैच कर सकते हैं वर्ड्स को किससे, टू द ब्राइटेस्ट थाट इन आवर हेड। जो हमारे हेड में जो हमारा ब्राइटेस्ट थाट है, जो हम सोचते हैं, उसको हम किससे मैच कर सकते हैं, हमारे वर्ड से मैच कर सकते हैं। जैसे अब आपने मैच द कॉलम देखा होगा, मैच द कॉलम में क्या करते हैं, हम वर्ड्स को मैच करते हैं ना। जैसे एक तरफ पिक्चर बनी हुई है किसी फूड की और एक तरफ उसका नाम दिया हुआ है, तो हम उस नाम को उस पिक्चर से मैच करते हैं। उसी तरह हम हमारे थाट्स को हमारे वर्ड्स से मैच कर सकते हैं। जो हमारे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उनको हम हमारे वर्ड्स के द्वारा एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, एक्सप्रेस वर्ड्स को हम हमारे थॉट्स को वर्ड्स से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फीड। जिससे क्या होगा कि जो हमारे थॉट्स है, जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारे वर्ड्स के द्वारा बाहर निकल जाएंगे, जो दूसरों तक एकदम क्लियर और ट्रू, मतलब एकदम साफ और ऑनेस्ट तरीके से बाहर आएंगे, जिसे हम उन्हें बता सकेंगे हम क्या सोच रहे हैं। या एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फीड, और हैंडसमली ग्रूम्ड मतलब अच्छी तरीके से सजा कर, और फीड अब यहाँ पर फीड ये इसका मतलब ये नहीं कि वर्ड्स खाएंगे। फीड मीन्स, फीड का मतलब यहाँ होता है जैसे हम जो वर्ड्स बोलना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अगर अच्छे वर्ड्स बोलेंगे, जिससे क्या आगे वाला हमारे वर्ड सुन के सेटिस्फाई हो जाएगा, ऐसे वर्ड्स हमें बोलने हैं। तो उन वर्ड्स को हम हैंडसमली तैयार होके, मतलब जो अच्छे वर्ड्स हैं जो आगे वाले सुन सके, और उनको अच्छे से फीड करके मीन्स अच्छे से उनको दर्शा सकते हैं दूसरों को, क्लियर और ट्रू तरीके से। For many of the loveliest things have never yet been said. और उनको हम ऐसी loveliest thing को हम बोल सकते हैं जो हमने अभी तक किसी को बोली नहीं हो, तो वो हम किसके द्वारा बोल सकते हैं, words के द्वारा। अगर हम अच्छे words बोलेंगे, अच्छे तरीके से उसको बोलेंगे, तो आगे वाला समझ भी पाएगा और हमारे जो वो चीज़ है वो उन तक क्लियर पहुँचेगी। और जब हम किसी को बुरा बोलेंगे या गलत वर्ड्स बोलेंगे और हमारी थिंकिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो आगे वाला भी उसे समझ नहीं पाएगा। फिर आगे पोएट बोलता है, वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स, दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग। वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स हमारे थॉट के फूड और ड्रेस होती। फूड और ड्रेस मीन्स, जैसे हम खाना खाते हैं, किस लिए खाते हैं, कि हमारा पेट भरे, हम ड्रेस अच्छी पहनते हैं, तैयार होते हैं, जिससे हम ठीक दिख सकें। तो वर्ड्स भी थॉट्स की
जो वर्ड्स होते हैं वो थॉट के फूड और ड्रेस होते हैं, जिससे हम हमारे थॉट को क्लियरली एक्सप्रेस कर सकें। टू गिव इट्स बॉडी एंड स्विंग, जो हमारे थॉट्स को बॉडी और स्विंग्स, मतलब बॉडी और उसका रहने का तरीका बताते हैं वर्ड्स। एंड एवरीवन्स longing today to hear some fresh and beautiful things, और सब यहाँ पर longing means यहाँ पर सब बेताब है आज अच्छे सुनने के लिए some fresh and beautiful things, कोई beautiful thing या कोई fresh अच्छी बात सुनने के लिए आज यहाँ पर सब लोग बेताब है, क्योंकि कोई बुरा तो सुनना नहीं चाहेगा, सब लोग अच्छा ही सुनना चाहते हैं। But only words can free a thought from its prison behind your eyes. और सिर्फ words ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे thoughts को, जो अपनी आँखों के पीछे बंद है, जो अपनी आँखों के पीछे कैद है जो हमारे thoughts, उसको सिर्फ word ही है वो express कर पाएंगे। Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. शायद अपना mind जिसे hold करके रखा है, अपने mind ने जिन thoughts को hold करके रखा है, वो ही एक मार्वेलियस बहुत ही शानदार सरप्राइज होगा, तो हम उन वर्ड्स के द्वारा अपने थॉट्स को बाहर निकाल पाएंगे। तो इस लेसन में आपको ये बताया गया है कि वर्ड्स एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने थॉट्स को, जो कहाँ पर भी छुपे हो, जैसे हमारे माइंड में हो, तो उसको हम लोग वर्ड्स के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं और दूसरों को हम वर्ड्स, यहाँ पर एक लैंग्वेज बताई है इंग्लिश, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश के द्वारा, हम कोई भी एक लैंग्वेज होती है उसके द्वारा हम हमारे वर्ड्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं और दूसरों को हैप्पी कर सकते हैं। तो ये आपका लेसन था द वंडरफुल, सॉरी ये आपकी पोयम थी द वंडरफुल वर्ड्स। इसे आप लोग क्लियरली वापस से रीड कीजिएगा और समझिएगा। थैंक यू।